थोड़ा समझ, राधिका को समझाया, समझा क्या बोल रहा है, तेरा माँ इतना गुस्सा कर रहा है, तेरा माँ को थोड़ा समझा। हाय हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिस्टर फुल ब्लॉग्स। गाइस आज राधिका का माँ आया है, राधिका का माँ आके इतना गुस्सा कर रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है, समर को अभी बुलाया, समर को बुला के बोल रहा है तू क्या सबका जिम्मा लेगा क्या, तेरा इतना पैसा हो गया, तू सबका शादी के लिए तू भी मान गया, सब कुछ के लिए मान गया, उसका माँ नहीं है, उसका भाई नहीं है, ये लोग शादी नहीं करा पा रहा है, तेरे को बोल रहा है शादी कराने के लिए और तेरा ऊपर छोड़ के चला गया, तू उसको लात मार के घर से निकाल और निकाल के बोल बाप का घर पे जाने के लिए, और इधर रहेगा तो मेरा लड़की मैं लेके चला जाऊंगा, तेरे पास नहीं रखूंगा। मतलब वो भी इतना गुस्सा कर रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है, समर राधिका को समझाया, समझा के बोल रहा है तेरा माँ इतना गुस्सा कर रहा है, तेरा माँ को थोड़ा समझा और उसको शादी करा के दूसरा घर पे दे दूंगा तो मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। मतलब ये मेरा समझ में नहीं आ रहा है, समर क्यों उसका ऊपर जिम्मा ले रहा है, मतलब उसका भाई भी है, उसका बाप भी है, उसका सब है, फिर भी वो समर के पास छोड़ के चला गया, बोल रहा है समर जो करना है समर कर। समर को मारा पीटा सब कुछ किया है, पहले वो समर नहीं देखा है, अभी समर देख रहा है, मतलब इतना बेशरम है, इतना बेशरम है, गुनगुन भी जैसा बेशरम है, उसका बाप भी ऐसा बेशरम है और उसका भाई भी ऐसा बेशरम है, मतलब क्या बताऊं आप लोग को, इतना बेशरम है। और गुनगुन शादी के लिए नहीं मान रहा है, बोल रहा है तेरे साथ शादी क्या हूं तो तेरे साथ रुकूंगा, मतलब इतना बेशरम है, इतना बेशरम है, क्या बताऊं आप लोग को, मतलब उसका बाप भी जैसा, उसका भाई भी ऐसा, मतलब वो समर का पीछे पड़ा हुआ है, समर को बर्बाद करने के लिए समर का पीछे पड़ा हुआ है। और समर भाई तुम जो काम करना सोच समझ के करो, और ये लोग का पीछा करेगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसका पीछा छोड़ दो और अच्छा रास्ता ढूंढो, उसको कैसा भगाना है इधर से, इधर से भगा के तुम खलास हो, खलास हो के तुम्हारा जिंदगी गुजारो, ठीक है। और गाइज मेरा चैनल जो जो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना।